शुरू किया है, इस गलत की रूपरेखा की है कि पुलिस ने अपना प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जो की है तो मीटिंग भी हुई है अगे थोड़ा उच्च उच्च चोर फड़ा का की मकसद है। साथियों ये 20 अप्रैल तो मोर्चा चल रहा है, लगभग 6 महीने तो उपर का समा हो चुका है और इस समय के दौरान असी वक्त वक्त सरकार को मांग पत्र दिते, रैलियां की थी है। पर इस बावजूद भी सरकार की जी ट्रांस कंट्रोल की नीति चल रही है वो कोई प्रभावशाली तरीके इस समस्या को हल करने रुचि नहीं दिखा रही, जिस करके असी फैसला किया कि 5 नवंबर में जो पंजाब बंद चक्का जाम किया जाएगा, लोग सड़क से उतरेंगे और ये पूर्ण पंजाब पूरे तौर पर किया जाएगा। ये है कितना घोटाई घपलाई है चोर घोटाला, किन्ने को मुलाजम अपने लग चुके हैं, किन्नी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? ये पंजाब दे विच बड़ा ही सीरियस मामला है, जेड़ा दिल्ली तो चल के चंडीगढ़ और चंडीगढ़ तो पंजाब के सारे जिले पिंड पद्धर तक फैलिया हुआ और ये वख वख किस्म के जो लोग ने जिवें पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स और हेठले लैवल के जो लीडर्स ने एजेंट स्ट्राइक वो इनवॉल्व। मुख्यमंत्री ने उस को मीटिंग की थी, कोई कैबिनेट मंत्री आया सी, उन्होंने भरोसा दिता हाँ 13 जो अस 12 का बंद रखिया सी मोर्चे वालों वो तो डर के जड़ा पंजाब सरकार है उन्होंने 13 जून साड़ी मीटिंग बुलाई सी जिसे 3 मंत्री शामिल से और जो मेन इंचार्ज वो हरपाल सिंह चीमा सी, वित्त मंत्री पंजाब डॉक्टर बलजीत कौर और एक होर मंत्री सी और 2 मंत्री ही आए थे, उन्होंने साड़ी गलबात बड़े ध्यान न सुनी, सुन के भरोसा दिता और एक आ कि भी हम तुम मोर्चा चक लो, असी उन्होंने कहा भी असी पूरा जूस पी के मोर्चा चक्कर वाले नहीं, साड़िया मंगा पूरिया कर दो असी हूँ ही चक लाँगे, परंतु सानू उन्होंने जरा पापी मन से बारे पता से उन्होंने कुछ नहीं किया और यही कारण है कि मोर्चा अजे तक चल रहा है। एक गैर राजनीतिक संगठन जरा जरा रिजर्वेशन चोर खड़ोपो का मोर्चा है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, एक समाजिक संगठन है और इस करके लाया गया है क्योंकि जारी जाति सर्टिफिकेट बना के जी उच्च श्रेणी के लोग ने उन्होंने साढ़े हकों के डाका मारे, ये खिलाफ एक पहली बार होया साढ़े पंजाब के राजनीति इंडिया कि असी ये संघर्ष इस किस्म का लंबे तौर पर कर रहे हैं, ये सारिया समूह दल जथेबंदियां साढ़े नाल ने, धार्मिक जथेबंदियां नाल ने और सारे का सहयोग जरा ये प्रोग्राम कर रहे हैं 5 सरकार के मुख्यमंत्री ने पुतले भी फूका और उस तो इलावा जो फिर भी सरकार कुछ नहीं करती तो वर्ण वर्ता है हड़ताल ने डीसी पद्धर से प्रोटेस्ट हो गए और जेड़ा भी पंजाब सरकार का कोई MLA MP और कोई मंत्री या खुद मुख्यमंत्री लोगों में जाएगा क्योंकि सरकार अंदर बढ़ के तो नहीं चलती, असं वह घराव करा उन्होंने याद करावे और पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन है जिला पद्धर से तहसील पद्धर से ब्लॉक लेवल से वह चलना दूबर कर दिया। अच्छा एक पंजाबी गायक का बाप का जाली सर्टिफिकेट बनया है वो प्रति कार्रवाई हुई तो प्रति थोड़ा की ओपीनियन है? हाँ बारे ओपीनियन है, देखो वन थिंग इज वेरी क्लीयर जी कि वो जरा व्यक्ति है गाने वाला उन्हें कोई कसूर नहीं जी, वो गायक है वेरी गुड आर्टिस्ट वो अपने फन का मुजहरा कर रहा है, पर उन्होंने जो प्यो सी जो कि एक अध्यापक है एक अध्यापक जो सच्चे सुचे मानना होना चाहिए बच्चे की पढ़ाऊगा जेकर आप ही बेईमान है, उन्हें प्यो ने बेईमानी की है और वो आप जरा जट बराती का सी जट बराती का देखो एक पंजाब की वही जी कौम है जट कौम उन्हें उन्होंने बदनाम किया और उन्हें SC मजहबी सिख का सर्टिफिकेट बना के चोरी छप्पे नौकरी करता रहा और एक बड़े अहदे तो क्लास 2 अना सॉरी क्लास 1 अहदे तो रिटायर होया और करोड़ों रुपये ने कमाई और उन्हें करैक्टर भी रहा कि वो जोड़े SC BC बच्चे से उन्होंने स्कूलों से कुटता मारता सी और उन्होंने मिसबिहेव करता सी तो वो कंडेम उन्हें बड़ा माड़ा काम किया
और केस चल रहे हैं इस